করবো লড়বো জিতবো রে, করবো লড়বো রে, জিতবো রে, জিতবো রে। করনে লড়নে ওর জিতনে কা দাওয়া করনে ওয়ালি KKR কলকাতা নাইট রাইডার্স কি টিম নে কাল বাকি মে ময়দান পে কর দিখায়া। চেন্নাই সুপার কিংস অগেন্স টিম কা ম্যাচ থা, ওর জিস তরহ সে টিম কাল খেলি ম্যাচ মে বাকি মে এ জো টিম কা জো স্লোগান হ্যায়, জো টিম কা টাইটল হ্যায় করবো লড়বো জিতবো রে, করেঙ্গে লড়েঙ্গে জিতেঙ্গে ওর জিত জায়েঙ্গে, ও কাল বাকি মে KKR কি টিম নে এসা কর দিখায়া। কমাল কা পারফরমেন্স টিম নে কিয়া, চাহে বল্লেবাজি হো, গেন্দবাজি হো, फील्डिंग थोड़ी लचर थी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम के बल्लेबाजों ने जिस तरह से टीम के लिए कल खेल दिखाया वो वाकई में कमाल था। नमस्कार, मैं स्पोर्ट्स वीकी कैफे IPL से अखिल गुप्ता लाइव आपके साथ हूं और हम यहां पे आज बात करने वाले हैं बीती रात जो मैच खेला गया था KKR कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स CSK कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मैच खेला गया था और क्या कमाल खेल KKR ने दिखाया। जैसा हमने स्टार्टिंग की थी वाकई में KKR की टीम ने कल शानदार, लाजवाब, बेहतरीन खेल दिखाया और चेन्नई को हराना वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक की चैंपियन टीम मानी जाती है, 2 साल बाद IPL में वापसी कर रही है। इस सीज़न की अगर हम बात करें अंक तालिका में नंबर 1 पर थी टीम और कल के मैच में टीम की स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन KKR ने अंतिम, चाहे CSK की पारी के अंतिम 10 ओवर की बात हो या फिर अब चेज करते हुए अपनी पारी के 20 ओवर की बात करें, KKR ने वाकई में कल लाजवाब खेल दिखाया। अगर हम स्टार्टिंग से मैच की बात करें तो 33वें मैच की शुरुआत दिनेश कार्तिक KKR के कप्तान के टॉस जीतने के साथ हुई थी और उन्होंने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इससे पहले IPL 2018 में जो 32 मुकाबले खेले गए हैं उन 32 में लगभग ऑलमोस्ट सभी कप्तान टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने के लिए जाते हैं। सिर्फ 3 बार ऐसा अभी तक देखा गया इन 33 मुकाबलों में, बीती रात जो मुकाबला खेला गया उसको मिलाकर इन 33 में से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जहाँ पे किसी कप्तान ने टॉस जीता हो और पहले बल्लेबाजी के लिए गए हों, पहले लक्ष्य बोर्ड पे लगाना उचित समझा हो, लेकिन 30 बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे टीम के कप्तान हैं वो लक्ष्य का पीछा करने गए हैं। कल दिनेश कार्तिक ने भी उसी रणनीति को अपनाया और अभी तक सीजन में जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, टॉस जीता, गेंदबाजी करने के लिए गए और जो परिणाम था टॉस जीतने के बाद वो वाकई में टीम के फेवर में आया। जो टीम का रिजल्ट था, जो मैच का रिजल्ट था, वो वाकई में टीम के हक में गया। अगर हम मैच की स्टार्टिंग से बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में नंबर 1 थी, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है टीम, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की बात कर लें, गेंदबाजों की बात कर लें, धोनी की स्वयं एज एक बल्लेबाज के रूप में बात कर लें, ऊपरी क्रम की हम बात कर लें, शेन वॉटसन हो, अंबती रायडू जिस तरह से लगातार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो एकता टीम में जो नज़र आती है CSK की टीम में वो कल भी नज़र आई। टीम बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, कल कमाल का स्टार्ट मिला CSK की टीम को। अगर हम बात करें फाफ डुप्लेसिस की, जो सैम बिलिंग्स की जगह टीम में खेल रहे थे, शेन वॉटसन जो कि सीजन में शतक लगा चुके हैं, पिछले मैच में अशतक लगाकर आ रहे थे, कमाल की लय में थे, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, कल के मैच में भी 36 रन उन्होंने बनाए। फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करने का मौका मिला, 27 रन उनके बल्ले से निकले। सुरेश रैना जो IPL के अभी तक सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको भी कल अच्छा स्टार्ट मिला, 31 रन उन्होंने बनाए सिर्फ 26 गेंदों में। ऊपरी जो तीनों बल्लेबाज थे, त्रिमूर्ति जो चेन्नई सुपर किंग्स की रही है, तीनों ने अच्छा स्टार्ट दिया। चाहे हम शेन वॉटसन जैसे मैंने बताया 36 रन बनाए, फाफ डुप्लेसिस 27 रन बनाए, सुरेश रैना टीम के उपकप्तान 31 रन का योगदान उन्होंने दिया, तीनों को स्टार्ट मिला लेकिन बड़ी पारी में उसको तब्दील नहीं कर सके। लेकिन जो स्टार्ट तीनों को मिला था, जो CSK की टीम को जो स्टार्ट मिला था वो वाकई में काबिले तारीफ था। मैं आपको बता दूं 11 ओवर तक टीम के बोर्ड पे 100 रन लग चुके थे, 100 से ऊपर रन टीम बोर्ड पे लगा चुकी थी। उसके बाद डेन ब्रावो, महेंद्र सिंह धोनी, अंबती रायडू, इन फॉर्म बल्लेबाजों का आना बाकी था। रविंद्र जडेजा अच्छी हिट लगा लेते हैं, हम देखते हैं हरभजन सिंह जो कि अच्छी अच्छी हिट लगाने में माहिर हैं, ये आने बाकी थे। तो इनको देखते हुए लग रहा था कि शायद 20 ओवर में CSK की टीम 200 या 220 का जो आंकड़ा है, जो उचित आंकड़ा है टीम की हालिया रन रेट को देखते हुए, वो बड़ा आसान है, उसको आसानी से टीम प्राप्त कर लेगी। लेकिन ऐसा आसान KKR के गेंदबाजों ने होने नहीं दिया, खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों ने, चाहे वो पीयूष चावला हो या फिर सुनील नारायण, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी।
उसके अलावा जिस तरह से युवा गेंदबाजों ने कल गेंदबाजी की, शिवम मवी हों, आंद्रे रसल हों, मिचेल जॉनसन हालांकि कुछ महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 51 रन उन्होंने खर्च किए। मैं आपको बता दूं 5 साल उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए हो गए हैं और मौजूदा समय में वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं, तो शायद उस रिदम में, उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिस लय में 4-5 साल पहले मिचेल जॉनसन हुआ करते थे। लगातार अपनी तूफानी गेंदबाजों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते थे, उनकी नाक में दम करते थे। हालांकि वो मिचेल जॉनसन वो रफ्तार अब नज़र नहीं आती है, लेकिन मिचेल जॉनसन ही है। उनके बारे में जितनी तारीफ उनकी की जाए, जितना उनका अनुभव है, वो वाकई में सराहनीय रहा है। लेकिन अगर हम CSK की बल्लेबाजों की बात करें तो एक समय ऐसा था जहां पर टीम के 101 रन पे 3 विकेट थे। शेन वॉटसन, फाफ डुप्लेसी, सुरेश रैना, कमाल का स्टार्ट दिलाया, 101 पे 3 थे, 11 ओवर भी नहीं हुए थे और वाकई में देखते बनता था कि 200 रन तो आज बोर्ड पे आसानी से लगा देगी टीम। उसके बाद अंबती रायडू जो इस सीज़न में लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, लगातार अच्छा खेल रहे हैं, लगातार लय में नज़र आ रहे हैं। कल के मैच में नंबर 4 खेलने को मिला, फिर से नंबर 4 उतरे इस सीज़न में। पहले 2 ओवर जब नंबर 4 पे खेलने को मिला है उन्होंने अर्धशतक लगाया है। कल के मैच में भी स्टार्ट अच्छा मिला, 17 गेंदों में 21 किए, लेकिन सुनील नारायण की एक अंदर आती हुई गेंद को पढ़ ना सके और क्लीन बोल्ड हुए। कमाल की गेंद थी सुनील नारायण की। अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी पे, अगर हम आए तो शब्द नहीं है महेंद्र सिंह धोनी के लिए हमारे पास। वो जो एक डायलॉग है, उनकी जो बायोपिक आई थी उसका जो एक डायलॉग था कि माही मार रहा है, वो वाकई में अब जब भी धोनी फॉर्म में नजर आते हैं, जब भी धोनी 2-4 हिट लगाते हैं, लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं, आतिशी पारी खेलते हैं, तो वो डायलॉग खुद ब खुद मुंह से निकल जाता है कि माही मार रहा है। और कल भी माही ने मारा और KKR के गेंदबाजों का क्या खूब मारा। 25 गेंदों में 43 रन बनाए, नाबाद रहे, और इन 43 रन में 4 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। ये छक्के लंबे लंबे शॉट्स भी थे और सिर्फ ऐसे शॉट्स भी थे जो नॉर्मल शॉट, जिनको देख के कोई कह भी नहीं सकता है कि ये छक्के पे जा सकती है बॉल। लेकिन जिस तरह से कल महेंद्र सिंह धोनी ने शॉट्स खेले, जो उनका शॉट सिलेक्शन था उस पर तो सवाल या निशान क्या उठ ही नहीं सकते हैं। कमाल के बल्लेबाज हैं, सीज़न में कमाल की पारी खेल रहे हैं, 329 रन इस सीज़न में कर चुके हैं और जिस लय में नज़र आ रहे हैं, जिस रिदम में नज़र आ रहे हैं, सल्यूट बनता है महेंद्र सिंह धोनी को। वाकई में CSK की टीम के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि स्वयं उनका जो लीडर है, उनकी टीम का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, आइकन प्लेयर हैं जो उनकी टीम के, वो लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार रन बना रहे हैं और सिर्फ रन नहीं बना रहे हैं, आतिशी पारियां खेल रहे हैं। तो वाकई में CSK की टीम के लिए इससे बढ़िया और शानदार बात कुछ नहीं हो सकती। अगर हम बात करें CSK की टीम की, तो 20 ओवर में टीम ने 177 रन बनाए, 177 5 विकेट के नुकसान पे टीम ने ये बोर्ड पे लक्ष्य लगाया। 178 रन का लक्ष्य KKR की टीम के सामने था। KKR के लिए शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, चाहे वो पीयूष चावला हो, सुनील नरेन हो या फिर कुलदीप यादव हो। चाइना मैंने कुलदीप यादव के खाते में 1 विकेट आई, वहीं सुनील नरेन और पीयूष चावला के खाते में 2-2 विकेट आई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CSK के जो 5 विकेट गिरे वो पाँचों के पाँचों KKR के स्पिनर्स ने लिए। तो स्पिन के सामने कल CSK की बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, क्योंकि जिस तरह की कल गेंदबाजी, अगर हम इन सभी के ओवर्स की बात करें, 4 ओवर पीयूष चावला के, 4 ओवर सुनील नरेन के, 4 ओवर कुलदीप यादव के, तो इन 12 ओवर ने मैच का अंतर पैदा किया CSK की टीम के लिए। जितनी तारीफ इन तीनों की जाए, स्पिनर्स की वाकई में काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। 178 रनों का लक्ष्य था, टीम को चाहिए था कि तूफानी स्टार्ट मिले। घरेलू मैदान पे टीम खेल रही थी, ईडन गार्डन्स पे ये मैच था और मैं आपको बता दूं ईडन गार्डन जो है वो KKR का होम ग्राउंड माना जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, घरेलू मैदान पे टीम खेल रही थी, लेकिन स्टेडियम के वातावरण को देख के, स्टेडियम के जो सपोर्टर्स आए थे मैच देखने, जो दर्शक आए थे, उनको देख के कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपनी घरेलू टीम, होम टीम KKR को सपोर्ट करने आए हैं। क्योंकि जो हुजूम था ईडन गार्डन के दर्शकों का, जो सपोर्ट था वो देखते ही बन रहा था CSK के लिए। चारों तरफ मैदान पे सिर्फ येल्लो आर्मी नज़र आ रही थी, येल्लो रंग नज़र आ रहा था, पीला रंग नज़र आ रहा था, सभी धोनी धोनी चिल्ला रहे थे, चाहे जब धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे तब, और जब धोनी बतौर कप्तान टीम के साथ फील्ड पे उतरे तब भी चारों तरफ जो है CSK के नारे लग रहे थे। कहीं से भी देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि KKR की टीम अपने घरेलू मैदान पे खेल रही है। फीलिंग ऐसी आ रही थी कि KKR की टीम अपने चेन्नई के मैदान पे या फिर पुणे में, जो टीम का जो दूसरा घर माना जाता है, टीम वहाँ पे खेल रही है। वाकई में CSK की टीम की जो फैन फॉलोइंग है वो देखते ही बनती है। कल के मैच में इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया, हम सभी ने देखा, हम सभी उसके गवाह बने। जिस तरह से 30,000 से 33,000 लोग सिर्फ CSK की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, होम टीम KKR होने के बावजूद, वो वाकई में काबिले तारीफ था। 178 रन बनाने थे ओपनिंग के लिए। हर बार की तरह क्रिस लिन और सुनील नरेन उतरे।
और क्रिसलिन जिस तरह अभी तक अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, हालांकि कल स्टार्ट अच्छा मिला, 6 गेंदों में 12 किए, 2 लंबे छक्के लगाए लेकिन उसके बाद आउट हो गए। सुनील नरेन जो पावर प्ले के अंदर अपनी बल्लेबाजी से, तूफानी बल्लेबाजी से काफ़ी अंतर पैदा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। कल के मैच में भी ऐसा देखा हमने, 20 गेंदों का सामना किया, 32 रन बनाए, 32 रन ये बहुत बहुत अहम रन उनके बल्ले से निकले, 4 चौके 2 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए, कमाल की पारी खेली। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो उनको मिला वो मिला कि रविंद्र जडेजा जो इतने शानदार फील्डर माने जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं रविंद्र जडेजा से भले ही वो बल्लेबाजी से फ्लॉप हो जाएं, गेंदबाजी से फ्लॉप हो जाएं, लेकिन एज अ फील्डर वो कभी भी किसी मैच में फ्लॉप नहीं होते हैं। आज तक हमने ऐसा देखा भी नहीं है, पिछले 10-11 सालों से रविंद्र जडेजा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नाम कमाया है उन्होंने, लेकिन फील्डिंग में रविंद्र जडेजा कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि उन्होंने कोई गलती की हो। लेकिन कल के मैच की अगर हम बात करें तो CSK की जो हार का सबसे बड़ा कारण रहा वो रविंद्र जडेजा की फील्डिंग रही, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 गेंदों पे KM आसिफ की लगातार 2 गेंदों पे उन्होंने सुनील नारायण के कैच टपकाए, सुनील नारायण ने 32 रन बनाए और जिस तरह से वो कल हिट कर रहे थे वाकई में रविंद्र जडेजा को काफ़ी अफसोस हुआ होगा अंत में कि उन्होंने अगर जो दो उनको मौके मिले थे लगातार 2 गेंदों पे जो उनको 2 मौके मिले थे कैच पकड़ने के, अगर उन 2 में से वो किसी एक मौके पे भी सुनील नरेन का कैच पकड़ पाते तो शायद जो मैच का परिणाम था, जो KKR के पक्ष में मैच का परिणाम आया, वो शायद CSK के पक्ष में आ सकता था। कमाल की बल्लेबाजी कल सुनील नरेन ने की। तो रॉबिन उथप्पा अभी तक कुछ खास सीज़न में कर नहीं सके हैं, छोटी छोटी पारियाँ खेली हैं, स्टार्ट मिला है लेकिन कल के मैच में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। नंबर 4 पे कल प्रमोट किया गया शुभमन गिल को, ये वही शुभमन गिल है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमाल की पारी खेली थी, पाकिस्तान के खिलाफ लाजवाब शतक लगाया था और देश को वर्ल्ड कप जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। लेकिन इस सीज़न में अभी तक उनको नंबर 6-7 हम देख रहे थे कि जब से उनको KKR की अंतिम 11 में शामिल किया गया है दिनेश कार्तिक द्वारा, दिनेश कार्तिक उनको 6-7 पे खिला रहे थे और लेकिन कल के मैच में नंबर 4 पे प्रमोट किया। सामने एक बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप वाली टीम थी, लक्ष्य का पीछा आपको करना था और ऐसे में शुभमन गिल ने जो पारी खेली वो वाकई में सराहनीय थी, लाजवाब पारी थी, जितनी तारीफ उस पारी की जाए कम होगी। इस युवा खिलाड़ी ने, 18 वर्ष के युवा खिलाड़ी ने जिस तरह से लक्ष्य का पीछा किया, चेन्नई के गेंदबाज, दिग्गज गेंदबाज इमरान, चाहे हम हरभजन सिंह की बात कर लें या फिर डेन ब्रावो की बात कर लें, लुंगी नगीडी की बात कर लें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, उनका जिस तरह से सामना किया वो वाकई में दर्शनीय था। शुभमन गिल ने 36 गेंदों का सामना किया, 57 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। लाजवाब इस बल्लेबाज ने कल बल्लेबाजी की, नंबर 4 पे उनको प्रमोट किया गया था और उसका जो होता है जिस तरह से उन्होंने जो उनको मौका मिला था उस मौके पे उन्होंने वाकई में चौका लगा के दिखाया। अगर हम बात करें रिंकू सिंह की, वो कल वाले मैच में कुछ खास नहीं कर सके। नीतीश राणा जिनको पीठ में थोड़ी समस्या थी जिसके कारण उनको कल अंतिम 11 में शामिल नहीं किया गया था, उनके स्थान पर खेले, 18 रन बनाए, लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक, निधास ट्रॉफी का फाइनल याद आ जाता है, जब भी दिनेश कार्तिक का नाम याद आता है तो अपने आप ही जहन में निधास ट्रॉफी का फाइनल याद आ जाता है। हालांकि 10-15 साल हो गए हैं देश के लिए खेल रहे हैं, काफ़ी मैच जिताए हैं देश को, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, IPL में 6 फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जब भी दिनेश कार्तिक का आजकल नाम आता है तो ना चाहते हुए भी अपने आप ही जहन में निधास ट्रॉफी का फाइनल याद आ जाता है, वो अंतिम 2 ओवर याद आ जाते हैं जहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने कमाल की पारी खेली थी और जिस तरह से मैच फिनिश किया था देश के लिए, भारतीय टीम को निधास ट्रॉफी कब जिताया था, लाजवाब था, अद्भुत था। जब भी दिनेश कार्तिक का नाम आता है तो वाकई में वो दृश्य जो है जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, आतिशी पारी खेली थी, वो दिमाग में उमड़ने लगती है, वो दिमाग में चलने लगती है और कल भी दिनेश कार्तिक ने वैसी कुछ छवि दिखाई। 18 गेंदे खेली, 45 रन बनाकर नाबाद रहे, 18 गेंदे 45 रन, 7 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 250 का, कमाल के दिनेश कार्तिक, वाकई में जो कहते हैं ना कप्तानी पारी, कोई कप्तान खेले जो कप्तानी पारी आप खेल रहे हो, लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तो 18 गेंदों में 45 रन, कप्तान नाबाद लौट रहा है, तो वाकई में कप्तानी पारी थी जिस तरह से कल बल्लेबाजी दिनेश कार्तिक ने की, जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है, जितनी हम उसके बारे में बातें करें, उस चर्चा करें उस पारी के बारे में कम होगी, वाकई में कल दिनेश कार्तिक ने कप्तानी पारी खेली, जो डिसीजंस लिए मैदान पे वो भी कमाल के थे, चाहे स्पिनर्स को लेके आना हो, पार्टनरशिप तोड़नी हो तो स्पिनर्स को लेके आना हो, युवा खिलाड़ियों पे भरोसा जताना हो, शुभमन गिल को नंबर 4 पे प्रमोट करना हो, तो दिनेश कार्तिक की कप्तानी की वाकई में चर्चा हो रही है, जिस तरह से अभी तक कप्तानी करते आ रहे हैं इस सत्र में
लाजवाब है। और अभी तक केकेआर की टीम, ये उनकी कप्तानी का ही नतीजा है कि केकेआर की टीम 9 मैचों में से 5 मैच जीत चुकी है और अंक तालिका में आईपीएल 2018 की अंक तालिका में पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की टीम तीसरे स्थान पर है, 10 अंक टीम के पास हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि टीम बड़ी आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। और जिस तरह से टीम खेल रही है, जिस संकल्प के साथ टीम खेल रही है, जिस दृढ़ निश्चय के साथ टीम खेल रही है, उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टीम वाकई में प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये जो कल मैच खेला गया था और आज जो मैच खेला जाएगा उसको रिलेटेड, आज किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस का मैच खेला जाएगा, उससे संबंधित और कुछ स्टैट्स या फिर कोई रिकॉर्ड्स अगर आप जानना चाहते हैं, किसी प्लेयर से संबंधित, किसी टीम से संबंधित या कोई भी खबर आप जानना चाहते हैं, कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे इस लाइव में आप निसंदेह निसंकोच बिना किसी झिझक के अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम अगर कल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो केकेआर की टीम 6 विकेट से मैच जीतने में सफल रही, कमाल का केकेआर ने परफॉर्मेंस किया। और इस सीजन के शुरुआत में सीएसके और केकेआर का मैच खेला गया था एम चिदंबरम स्टेडियम में, जहां पे सीएसके की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया था। सैम बिलिंग्स उस मैच के हीरो रहे थे। केकेआर के लिए आंद्रे रसल ने 88 रनों की नाबाद पारी खेली थी और कल के मैच में तो आंद्रे रसल की बल्लेबाजी की नौबत ही नहीं आई, तो आप देख सकते हैं केकेआर ने किस तरह से लक्ष्य का पीछा किया। 178 रन छोटा लक्ष्य नहीं था, लेकिन जिस तरह से खेले कमाल था। अगर हम कल के मैच के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो पीयूष चावला इंडिया के लिए खेल चुके हैं, पिछले कुछ सालों से केकेआर की टीम का हिस्सा हैं, 6-7 साल हो गए केकेआर के लिए खेल रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है वाकई में काबिले तारीफ है। एक साइलेंट हीरो का जो किरदार होता है वो हमेशा पीयूष चावला केकेआर की टीम में निभाते आए हैं और कल के मैच में उनके नाम 2 अद्भुत रिकॉर्ड जुड़े। केकेआर के लिए खेलते हुए उन्होंने अपने 50 विकेट जो थे वो आईपीएल में पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले केकेआर के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में 50 विकेट लेने वाले वो सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड आता है वो सुनील नरेन के नाम आता है, जो कि केकेआर के लिए खेलते हुए आईपीएल में 100 से अधिक विकेट ले चुके हैं। सुनील नरेन के नाम 105 विकेट दर्ज हैं, वहीं आईपीएल में कोलकाता के लिए खेलते हुए पीयूष चावला अभी तक 50 विकेट ले चुके हैं। कल का जो मैच था वो पीयूष चावला का केकेआर के लिए 54वां मैच था आईपीएल में और इन 54 मैचों में पीयूष चावला 50 विकेट केकेआर के लिए ले चुके हैं। वहीं जो दूसरा रिकॉर्ड जो पीयूष चावला के नाम जुड़ा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड था, थोड़ा अद्भुत रिकॉर्ड था। पीयूष चावला सबसे पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं आईपीएल की अभी तक की हिस्ट्री के, आईपीएल के अभी तक के इतिहास के, 11वां सत्र खेला जा रहा है, पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने किसी दो टीमों के लिए, किसी दो फ्रेंचाइजियों के लिए 50 या उससे अधिक विकेट आईपीएल में लिए हों। मैं आपको बता दूं, उससे पहले पीयूष चावला जो है उन्होंने अपने आईपीएल करियर का आगाज़ किंग्स इलेवन पंजाब के लिए किया था युवराज सिंह की कप्तानी में और स्टार्टिंग के 3-4 साल किंग्स इलेवन पंजाब के खेमे का हिस्सा थे। पंजाब के लिए 84 मैच खेले, 87 विकेट पंजाब के लिए आईपीएल में लिए और केकेआर के लिए 54 मैचों में 50 विकेट ले चुके हैं। तो पहले ऐसे गेंदबाज बने आईपीएल इतिहास के जिन्होंने किसी दो टीमों के लिए 50 या उससे अधिक विकेट हासिल किए हों। यहाँ पे अगर मैं कुछ सवालों पे नज़र डालूं तो जो काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं वो हमारे सवाल कर रहे हैं केकेआर की टीम को लेके, आज सीएसके की टीम को लेके भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। सीएसके भले ही सीएसके की टीम कल मैच हार गई हो, लेकिन ये जो सवाल हैं, जो फैंस का जो देखने को मिलता है जज्बा सीएसके की टीम के प्रति, वो वाकई में लाजवाब है। सीएसके की टीम वाकई में जिस तरह से T20 क्रिकेट खेलती है उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखते ही बनती है और इस लाइव में भी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं वो सीएसके को लेके क्वेश्चंस कर रहे हैं, केकेआर को लेके भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहरहाल अगर हम कल के कुछ आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल जिन्होंने कल प्रभावित किया, 57 रन बनाकर नाबाद लौटे, नंबर 4 पे उनको खेलने का मौका मिला। इससे पहले हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे क्रिकेट के जानकारों द्वारा काफ़ी ऐसी कुछ बातें की जा रही थी कि क्यों शुभमन गिल को एज अ ओपनर ट्राई नहीं किया जा रहा, क्यों शुभमन गिल को नंबर 3 या 4 पे नहीं खिलाया जा रहा, क्यों उनको एक फिनिशर के रोल को क्यों दिया जा रहा है, आपके पास आंद्रे रसल हैं जो कि फिनिशर का रोल जो है, फिनिशर का किरदार है वो अच्छे से निभा सकते हैं, क्यों शुभमन गिल को 6-7 पे प्रमोट किया जा रहा है, दिनेश कार्तिक उनको नंबर 4 पे क्यों नहीं खिलाते। कल नंबर 4 का मौका मिला और मौके पे क्या चौका उन्होंने लगाया वो हम सभी ने देखा, 57 रन बनाकर नाबाद रहे, कमाल की पारी खेली। आईपीएल के इतिहास का ये उनका सबसे पहला अर्धशतक रहा और ये अर्धशतक जो था वो उनका 18 साल और 237 उम्र इस दिन में निकला। अभी तक 18 साल 237 उम्र की दिन में उन्होंने कल अपना पहला अर्धशतक लगाया और वो 5वें ऐसे खिलाड़ी बने आईपीएल के इतिहास के जिन्होंने 19 से कम साल की उम्र में आईपीएल में अर्धशतक लगाया हो। इससे पहले पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, संजू सैमसन,
ये जैसे खिलाड़ी ये अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं, तो वाकई में कल का मैच जो था वो शुभमन गिल के लिए एक यादगार मैच रहा। टीम मैच जीती, उन्होंने परफॉर्मेंस किया, टीम की जीत में एक बड़ा योगदान निभाया, तो वाकई में इस मैच को शुभमन गिल कभी भूलने वाले नहीं है। आपको बता दूं, जब CSK की पारी का 18वां ओवर चल रहा था, वहाँ पे शुभमन गिल ने महेंद्र सिंह धोनी का एक बाउंड्री लाइन पे एक ईजी कैच टपकाया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की नाबाद रहे, तो उस कैच की भरपाई उन्होंने कल वाकई में कर दी। आज के मैच को लेके काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा, आज का मैच किसको जीतना चाहिए, किसका पलड़ा भारी है, किंग्स इलेवन पंजाब या फिर मुंबई इंडियंस। हम बहरहाल उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम कल के कुछ और रिकॉर्ड्स की बात करें, कुछ अन्य रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, तो महेंद्र सिंह धोनी इस सीज़न में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 329 रन बना चुके हैं, और जिस तरह से अभी तक उनकी फॉर्म नज़र आई है अद्भुत है। इससे पिछले 3-4 सालों में महेंद्र सिंह धोनी को हमने इस तरह से इस रूप में बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल नहीं देखा है। तो वाकई में जो धोनी थे, जो पिछले 10 से 11 सालों में जो पहले धोनी खेला करते थे, जिस अवतार में धोनी खेला करते थे, बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते थे, वही धोनी का वही रूप सामने नज़र आ रहा है। उसी तरह से धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस सीज़न में काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं, लेकिन कल के मैच के बाद एक अनचाहा रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ा। ये रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि IPL में अभी तक सुनील नरेन के खिलाफ वो 57 गेंदें खेल चुके हैं, और इन 57 गेंदों में उन्होंने सुनील नरेन को ना एक भी चौका लगाया है, ना एक भी छक्का लगाया है। तो वाकई में महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े ताबड़तोड़ हिटर माने जाते हैं, लेकिन सुनील नरेन, करिश्माई स्पिनर, जिनको करिश्माई स्पिनर का तमगा मिला हुआ है, उनके खिलाफ 57 गेंदों में महेंद्र सिंह धोनी अभी तक ना सिर्फ एक भी चौका लगा सके हैं, ना सिर्फ एक भी छक्का लगा सके हैं। और इन 57 गेंदों में मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी ने सुनील नरेन के अगेंस्ट सिर्फ 29 रन बनाए हैं IPL में। हालांकि सुनील नरेन इन 57 गेंदों में उनको एक भी बार आउट नहीं कर सके हैं, लेकिन 57 गेंदों में सिर्फ 29 रन, वाकई में ये रिकॉर्ड धोनी को शोभा नहीं देता। इतने बड़े खिलाड़ी हैं आईपीएल में T20 क्रिकेट में आप 57 गेंदों में किसी गेंदबाज के खिलाफ, विश्व स्तरीय गेंदबाज के खिलाफ अगर 29 रन बनाते हैं, तो वाकई में निराशाजनक आंकड़े हैं। हम उम्मीद करेंगे आने वाले मैचों में ये आंकड़े दुरुस्त हों, महेंद्र सिंह धोनी का जो राइवलरी है सुनील नरेन के अगेंस्ट, वो आंकड़े सुधरें, और सुनील नरेन को जो अभी तक तरस रहे हैं वो उनकी विकेट लेने के लिए IPL में पहली बार उनको आउट करने में सफल रहें। अगर हम कुछ अन्य रिकॉर्ड्स की बात करें, तो भले ही अभी हमने एक धोनी के एक अनचाहे रिकॉर्ड की बात की है, लेकिन एक अद्भुत रिकॉर्ड, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कल धोनी के नाम दर्ज हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 150 छक्के पूरे कर लिए हैं, तो CSK के जो फैंस हैं, महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, उनके लिए बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए IPL में अपने 150 छक्के पूरे कर लिए हैं, और सुरेश रैना के बाद वो ऐसा ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। सुरेश रैना, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के वाइस कैप्टन है, वो चेन्नई के लिए अभी तक 157 छक्के IPL और T20 क्रिकेट में लगा चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी सुरेश रैना के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं, तो वाकई में जो ये रिकॉर्ड है बहुत दमदार रिकॉर्ड है। सौरभ शर्मा का यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि क्या KKR प्लेऑफ में पहुँच पाएगी। सौरभ जी, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, KKR की टीम ने 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं। अंक तालिका की अगर हम बात करें, टीम 10 अंकों के साथ तीसरे नंबर पे है, तो इस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है सौरभ जी के टीम की जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के चांस हैं वो अधिक हैं, टीम प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि जो टीम के बचे हुए 5 मैच हैं उनमें से टीम को 3 मैच जीतने पड़ेंगे अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है। तो जो टीम की हालिया सिचुएशन है उसको देखते हुए लगता है कि टीम प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर पाएगी, लेकिन इस टीम की एक समस्या रही है सौरभ, एक मैच जीतती है एक हारती है, एक जीतती है एक हारती है। अगर टीम को प्लेऑफ में पहुंचना है और प्लेऑफ में पहुंचने के बाद फाइनल जीतना है या फिर फाइनल तक का सफर तय करना है, तो टीम को निरंतर परफॉर्म करना पड़ेगा, निरंतर मैच जीतने पड़ेंगे, शायद तभी KKR की टीम ये IPL जीतने में सफल रहेगी। सौरभ शर्मा के अलावा काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो हमारे ये जानना चाहते हैं कि क्या KKR की टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, तो मैं सभी को बता दूं, 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, अंक तालिका में तीसरे नंबर पे हैं, 10 अंक आपके पास हैं, 3 मैच आपको और जीतने पड़ेंगे प्लेऑफ में अगर क्वालिफाई करना है तो, और हालिया फॉर्म को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि KKR की टीम प्लेऑफ में पहुँचने वाली है। तो ये KKR के जो फैंस हैं, दिनेश कार्तिक के जो फैंस हैं और शाहरुख खान के जो फैंस हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर सकती है
प्लेऑफ में बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुज बजाज का यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि क्या ध्रुव शौरी को रविंद्र जडेजा की जगह पे मौका देना चाहिए। अनुज सवाल काफी अच्छा है आपका। रविंद्र जडेजा शुरुआत से अभी तक खेलते आए हैं, कुछ खास इस सीजन में किया नहीं है, चाहे हम बतौर बल्लेबाज बात करें, बतौर गेंदबाज बात करें, कल के मैच में तो उन्होंने एज अ फील्डर भी सभी को निराश किया। हम उम्मीद नहीं करते जडेजा लगातार एक के बाद एक दो आसान कैच टपकाएं, कल उन्होंने ऐसा किया, दो इजी कैच उन्होंने टपकाए, तो वाकई में अब उनके ऊपर सवाल या निशान उठने लगे हैं। इस सीजन में स्टार्टिंग के कुछ मैचों में हमने देखा एज अ बल्लेबाज नजर आए थे, सिर्फ एक बतौर बल्लेबाज के रूप में खेले थे, गेंदबाजी धोनी ने कराई नहीं थी, लेकिन उसके बाद धोनी ने वहाँ पे एक स्पिनर की भूमिका में भी उनको उतारा, बतौर गेंदबाज नजर आए, गिने चुने विकेट लिए, कुछ खासा परफॉर्मेंस किया नहीं, चार ओवर का स्पेल अभी तक किसी मैच में पूरा डाला नहीं है, एक दो ओवर के लिए आते हैं, बल्लेबाजी में लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जो धोनी है उनको सोचना पड़ेगा रविंद्र जडेजा के बारे में, हो सकता है आने वाले मैचों में, क्योंकि टीम ऑलमोस्ट प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि आने वाले मैचेस में टीम रविंद्र जडेजा को रेस्ट दे, उनकी जगह ध्रुव शौरी को ट्राई करे, जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, तो शायद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले मैचों में उनको रेस्ट दिया जाए, ताकि प्लेऑफ से पहले वो जो गलतियां कर रहे हैं, जो कमियां कर रहे हैं, उनमें सुधार कर सकें और प्लेऑफ में टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाए। रविंद्र जडेजा किस तरह के खिलाड़ी हैं, किस तरह के ऑलराउंडर हैं, उनकी काबिलियत पे बिल्कुल भी डाउट नहीं किया जा सकता, सवाल या निशान नहीं उठाए जा सकते, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म, हालिया फॉर्म वाकई में निराशाजनक है, और टीम को आईपीएल जीतना है, प्लेऑफ में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो वाकई में रविंद्र जडेजा को अब परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा को अब अच्छा खेल दिखाना पड़ेगा। नरेश सिंह राजपूत का यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, और काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं उनका भी यही सवाल है कि क्या आरसीबी की टीम टॉप फोर में पहुँच पाएगी। नरेश जी और जो बाकी व्यूवर्स हैं, अन्य व्यूवर्स हैं जो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, तो मैं बता दूं टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की राह जो है काफ़ी कठिन है, क्योंकि टीम को स्टार्टिंग आईपीएल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, मिडिल जो मैच रहे, मध्य के जो टीम ने मैच खेले उनमें भी टीम का परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला, तीन मैच अभी तक टीम ने जीते हैं, अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, साथ ही दूसरी टीमों के परिणामों पर भी टीम को डिपेंड करना पड़ेगा, दूसरी टीम किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, दूसरी टीम के मैचेस का रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका अगर आप मैच जीत रहे हैं तो आपका रन रेट कैसा है, अब आरसीबी के लिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अहम होने वाली हैं, अगर टीम को टॉप फोर में जगह बनानी है तो अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि केकेआर लगातार अच्छा कर रही है, किंग्स इलेवन पंजाब टॉप फोर में बनी हुई है, हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी टॉप टू में है, जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ है, और इन टीमों के बीच अगर टीम को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो लगातार अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे, तभी हम देख सकते हैं विराट एंड कंपनी को कि वो प्लेऑफ में खेल रही है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टीफन का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जडेजा को बाहर कर देना चाहिए और मौके देने चाहिए। स्टीफन से पहले मैंने अनुज बजाज का भी यही सवाल था कि क्या रविंद्र जडेजा को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया कि शायद अब उनको अगले कुछ मैचों में हम देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी उनको रेस्ट दें और किसी युवा खिलाड़ी को लेके आएँ, टीम में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं, टी जगदीशन की अगर हम बात कर लें, या फिर केएम आसिफ जो अच्छा कर रहे हैं, या फिर ध्रुव शौरी जो अच्छा करते आए हैं दिल्ली के लिए, अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, तो शायद आने वाले मैचेस में महेंद्र सिंह धोनी युवा खिलाड़ियों को मौका दें। धोनी के बारे में हम जानते हैं युवा खिलाड़ियों को हमेशा बैक करते हैं, युवा खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं, लेकिन अपने पुराने खिलाड़ियों का भी वो हमेशा हौसला बढ़ाते हैं, उन भले ही आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो लेकिन उनके ऊपर विश्वास जताते हैं, लेकिन शायद आने वाले मैचेस में हम देखें रविंद्र जडेजा को रेस्ट करता हुआ, क्योंकि टीम प्लेऑफ में खेलने वाली है, उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी जरूर चाहेंगे कि टीम के जो मुख्य खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा टीम ने जिनको रिटेन किया है, वो प्लेऑफ और मुख्य मैचों से पहले, बड़े मुकाबलों से पहले अपनी फॉर्म हासिल करें, तो शायद आने वाले मैचेस में हम उनको रेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। रुद्रा का यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, रुद्र का, कि क्या मिचेल जॉनसन की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। रुद्र, मिचेल जॉनसन पिछले कुछ मैचों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी गेंदबाजी रही है वाकई में सवाल या निशान उन पर उठ रहे हैं, कल के मैच की हम बात करें, चार ओवर में 51 रन दिए, विकटों का जो कॉलम था वो खाली रहा, उससे पिछले मैचेस की बात करें तो किसी मैच में 40 रन दिए हैं, किसी में 32 रन दिए हैं, चार ओवर का स्पेल पूरा कर रहे हैं, लेकिन विकटों का जो कॉलम है वो खाली है, निरंतर खाली है, तो हम शायद आने वाले मैचेस में देख सकते हैं कि टॉम क्यूरन शायद उनको रिप्लेस करें, जो कि पहले भी करते आए हैं, क्योंकि टीम के पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तेज गेंदबाजी की अगर हम बात करें
तो मिचेल स्टार्क को उन्होंने रिप्लेस किया था टॉम कोरन ने। परफॉर्मेंस उनकी भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन कंपैरिजन अगर हम मिचेल जॉनसन से उनकी गेंदबाजी की करें, तुलना अगर मिचेल जॉनसन से करें, तो उनके मुताबिक उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो शायद आने वाले मैचेस में मिचेल जॉनसन को हम अंतिम 11 में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस वाकई में चिंताजनक है, लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कितने बड़े वो नाम रहे हैं विश्व क्रिकेट में। 2013 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। शायद जो लय होती है खिलाड़ी की, रिदम होती है, वो संन्यास के बाद थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम देखते भी आ रहे हैं, हाल ही में बिग बैश लीग में खेले, पीएसएल में खेले, लेकिन वहाँ पे भी लगातार मैच खेले, सिर्फ एक दो विकेट उनके खाते में आई। इस सीज़न में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आध विकेट उनके खाते में आई है, लगभग 5 से 6 मैच खेल भी चुके हैं। तो शायद जो उनकी फॉर्म को लेकर सवाल है वो उठने लाजमी हैं। शुभम सिंह का यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि क्या पंजाब की टीम में आज कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। शुभम, जिस तरह की टीम पंजाब अभी तक खेल रही है, पिछला मैच हालांकि हार गए थे, लेकिन उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि टीम में कोई बदलाव करना चाहिए या टीम में किसी बदलाव की आवश्यकता है। 6-7 दिन के गैप के बाद टीम आज मैच खेलेगी, तो काफ़ी सारे जो खिलाड़ी हैं तरोताज़ा होकर मैदान पर उतरेंगे। और शुभम से पहले काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो इस सवाल को कर चुके हैं कि आज के मैच में युवराज सिंह जो है वो खेलते हुए नज़र आएंगे। शुभम के साथ में अन्य जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि युवराज सिंह के खेलने के आसार मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टीम के अन्य खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे मयंक अग्रवाल हों, करुण नायर हों, मध्यक्रम में मनोज तिवारी को अभी खैर एक ही मौका मिला है, तो शायद मनोज तिवारी को एक और मौका मिलेगा बल्लेबाजी में। आज उनको एक और मौका दिया जाएगा कि आप रन बनाए, टीम के लिए परफॉर्मेंस करें। हालिया फॉर्म मनोज तिवारी की बहुत लाजवाब रही है, और युवराज सिंह की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के मैचेस में कुल 40 रन उन्होंने जोड़े, स्ट्राइक रेट 92 का रहा, बिल्कुल भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। यही कारण रहा कि हमने पिछले 2-3 मैचों में देखा कि युवराज सिंह जो है वो टीम से बाहर चल रहे थे, और आज के मैच में मुझे लग रहा है कि शायद युवराज सिंह बाहर ही रहेंगे, मनोज तिवारी को उनकी जगह पर मौका दिया जाएगा। जहाँ पर अन्य बदलावों की अगर हम बात करें तो अन्य मुझे कोई टीम में चेंज नज़र नहीं आता है। क्रिस गेल अच्छा कर रहे हैं, डेविड मिलर हो सकते हैं शायद आज के मैच में खेलें एरन फिंच की जगह, जो कि लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, स्टार्टिंग काफ़ी ख़राब रही थी, पहले 2 मैचों में गोल्डन डक पे आउट हुए थे पहले ही गेंद पे, तो शायद हो सकता है डेविड मिलर आज के मैच में अंतिम 11 का हिस्सा हों। साथ ही जो हमारे व्यूवर्स हैं आज के मैच के बारे में जानना चाहते हैं, मैं बता दूं आपको, आज का मैच जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेज मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, MI के बीच खेला जाएगा, और ये मैच किंग्स इलेवन पंजाब के दूसरे घरेलू मैदान होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा। इस अभी तक इन दोनों टीमों के जो आंकड़े हैं, ये आमने सामने के जो आंकड़े हैं, 20 मुकाबले खेले गए हैं किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच, 10 मुकाबले पंजाब ने जीते हैं, 10 मुकाबले मुंबई इंडियंस ने जीते हैं, तो जो आंकड़ा है वो बराबर का है, 50-50 का है, लेकिन इस मैदान पे पंजाब की टीम का रिकॉर्ड बहुत दमदार रहा है। 5 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, और मैं आपको बता दूं इस मैदान पे जो पिछले कुछ मैच खेले गए हैं, 6 से 7 मैच खेले गए हैं, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने सभी मैच जीते हैं। तो आज जो भी कप्तान होगा वो यही चाहेगा कि टॉस जीते पहले गेंदबाजी करे और लक्ष्य का पीछा करने जाए। हालांकि हम इस सीजन में देख चुके हैं सभी कप्तान टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने के लिए जाते हैं, तो ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर आज के मैच में भी कोई कप्तान टॉस जीतता है और गेंदबाजी के लिए जाता है, लक्ष्य का पीछा करने के लिए जाता है, तो थोड़ा सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं होने वाला है ये। काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं कि क्या युवराज सिंह आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आज का मैच कौन जीतेगा। तो युवराज सिंह को लेके जैसे मैंने बताया, जिस तरह की उनकी फॉर्म थी, जिस तरह का उनका स्ट्राइक रेट था, जिस तरह का उनका हालिया सीज़न में परफॉर्मेंस था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनकी जगह अगर मनोज तिवारी को मौका मिलता है तो शायद थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे हाल ही में वो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, बंगाल के लिए अच्छी लय में है, तो शायद उनको मौका मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं इस चांस पे खेलना। वहीं अगर कौन जीतेगा मैच उसके बारे में चर्चा करें तो किंग्स इलेवन के आसार थोड़े ज़्यादा हैं आज मैच जीतने के, क्योंकि टीम अंक तालिका में टॉप 4 में है। मुंबई की टीम अभी तक 3 ही मैच जीत सकी है, हालांकि पिछला मैच वो जीत के आ रहे हैं RCB के अगेंस्ट, पिछला मैच वो हार के आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, तो थोड़ा उनके ऊपर दबाव रहेगा, क्योंकि इस सीज़न में टीम का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। रोहित एंड कंपनी को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो अपने सभी मैच अब जीतने पड़ेंगे। काफ़ी सारे सवाल, सौरभ शर्मा का यहाँ पे एक और सवाल आया कि क्या मुंबई की टीम को प्लेऑफ की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सौरभ जी, अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की,
तो तीन बार इस टीम ने खिताब जीता है और हमको ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं पड़ेगी कि साल 2013 से 2017 तक जो पिछले बीते 5 साल रहे हैं, उन 5 सालों में मुंबई की टीम ने अकेले आईपीएल पे राज किया है, अकेले आईपीएल में अपनी हुकूमत जताई है। 2013 आईपीएल जीता, 15 जीता, 17 जीते, लेकिन इस सीज़न में कुछ खास नहीं कर सके। लेकिन अभी भी टीम के पास होप है, कुछ मैचेस बचे हुए हैं। अगर टीम अच्छा करती है, टीम लगातार मैच जीतती है, जैसा कि टीम पहले भी इतिहास रच चुकी है इस तरह का, लगातार मैच जीत के टीम अनहोनी को होनी कर दिखाया है, तो शायद अभी भी टीम के पास आंकड़ों के हिसाब से और जो इतिहास टीम का जो रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी भी टीम को प्लेऑफ की उम्मीदें खोनी नहीं चाहिए। अभी भी टीम का प्लेऑफ में जगह बनाने का जो है वो सपना जो है वो साकार हो सकता है, लेकिन उसके लिए खिलाड़ियों को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, लगातार मैच जीतने पड़ेंगे। बहरहाल काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं मुंबई इंडियंस को लेके ही कि क्या प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर टीम अच्छा करती है अपने बचे हुए मैचेस में, अच्छा परफॉर्मेंस टीम करती है बल्लेबाजी में गेंदबाजी में, तो निसंदेह ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है, अंतिम चार में जगह बना सकती है, क्योंकि टीम के पास वो कैपेबिलिटी है, वो खिलाड़ी हैं जो टीम को अंतिम चार में जगह दिला सकते हैं। अभी तक वो प्रदर्शन नज़र नहीं आया है, लेकिन मुंबई इंडियंस के जो फैन हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए। टीम ने पहले भी ऐसा कई बार कर दिखाया है और शायद टीम इस बार भी ऐसा कर दिखाएगी, एक चमत्कार टीम कर सकती है। तो अभी निराश मत होइए, हम उम्मीद करते हैं कि मुंबई की टीम आज मैच जीतेगी और प्लेऑफ के लिए भी अपनी राह जो है वो आसान करती जाएगी लगातार मैच जीत के। बहरहाल आईपीएल से जुड़ी कोई भी खबर, कोई भी रिकॉर्ड या कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, विश्व क्रिकेट से संबंधित कोई भी जानकारी आप जल्द से जल्द और आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स विकी पर हमारे साथ लगातार बने रहें। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।